एक शख्स अंधेरी रात में फजर की नमाज अदा करने के लिए निकला। जैसे ही वह नमाज अदा करने के लिए अपने घर से बाहर निकला, थोड़े ही कदम आगे चलकर वो ठोकर खाकर गिर गया और उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। उसने सोचा कि वो घर जाए, कपड़े बदले और फिर नमाज पढ़ने के लिए दोबारा आए। वो घर गया, उसने अपने कपड़े तब्दील किए और वो नमाज अदा करने के लिए दोबारा मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। अभी वो कुछ ही कदम आगे गया था कि फिर से ठोकर खाकर गिर गया और उसके सारे कपड़े कीचड़ की वजह से गंदे हो गए। वो दोबारा घर गया, घर जाकर उसने अपने कपड़े तब्दील किए और फिर से नमाज फजर अदा करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। दो चार कदम आगे निकला तो देखा कि एक आदमी चिराग लिए खड़ा है और वो उसके आगे आगे चल रहा है। वो पीछे पीछे था और वो चिराग वाला आदमी उसके आगे आगे मस्जिद की तरफ रवाना हो रहा था। इस तरह से अब की बार उसे ठोकर नहीं लगी और वो कुछ ही देर में मस्जिद पहुंच गया। आदमी मस्जिद के बाहर खड़ा रहा और दूसरा शख्स नमाज पढ़ने के लिए अंदर चला गया। उसने नमाज फजर अदा की। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो मस्जिद से बाहर आया तो चिराग वाला आदमी वहीं बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था कि वो आदमी बाहर आए तो वो उसे चिराग की रोशनी में उसके घर तक छोड़ कर आए। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो आदमी मस्जिद से बाहर आया, चिराग वाला आदमी उसके आगे आगे चलने लगा चिराग की रोशनी लेकर, ताकि उस आदमी को ठोकर ना लगे और वो आराम से अपने घर पहुंच जाए। जब उसका घर आ गया तो उसने चिराग वाले आदमी से पूछा कि ए अजनबी, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तो तुम चिराग की रोशनी लेकर मेरी मदद के लिए क्यों आए हो? तो उसने कहा, मैं इबलीस हूँ। दूसरा शख्स सुनकर हैरान हो गया कि अगर तुम इबलीस हो तो तुमने मुझे नमाज अदा करने के लिए रोशनी क्यों दिखाई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि मैं नमाज नहीं अदा कर पा रहा। तो उसने कहा, मेरी बात गौर से सुनो। जब तुम्हें पहली बार ठोकर लगी, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और तुम कपड़े तब्दील करने के लिए घर गए नमाज के लिए, तो अल्लाह पाक ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। और जब तुम दूसरी बार ठोकर लग के गिरे और अपने घर कपड़े तब्दील करने के लिए वापस गए ताकि तुम साफ कपड़े पहन के नमाज अदा करने जा सको, अल्लाह पाक ने उसके बदले में तुम्हारे तमाम घर वालों के गुनाह बख्श दिए। मुझे डर था कि अगर अब तुम तीसरी बार ठोकर लगकर गिरे और घर कपड़े तब्दील करने दोबारा गए नमाज के लिए, तो अल्लाह पाक तुम्हारे तमाम गाँव वालों को बख्श देगा, उनके गुनाह माफ कर देगा। इसीलिए मैं चिराग लेके तुम्हारी मदद को हाजिर हो गया कि तुम अब तीसरी बार ठोकर खाकर ना गिरो। सुभान अल्लाह। नमाज अदा करनी चाहिए। कुरान में इतनी जगह इस चीज का जिक्र है। हम दुनिया के कामों में इस कदर मसरूफ हो जाते हैं कि हम नमाज छोड़ देते हैं। नमाज हमारे लिए वो चाबी है जो हमारे लिए खजानों के ताले खोलती है, हमारे लिए सुकून के, बरकत के, करम के, रहमत के, तौबा के दरवाजे खोलती है। लेकिन हम उस चाबी को कहीं रख के भूल जाते हैं। हम नमाज अदा ही नहीं करते अपनी मसरूफियत की वजह से। इसलिए अपनी मसरूफियत को एक साइड पर रखकर नमाज जरूर अदा किया करें। ये जो 5 वक्त की नमाजें हम पे फर्ज की गई हैं, इन्हें ना छोड़ा करें। अल्लाह की रजा के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए नमाज कायम किया करें। जजाकल्ला।